मेरे भाइयों और बहनें, पॉइंट हमारे लिए है कि हम जो काम करते हैं हम तो सच्चाई से ही काम करेंगे। हम दुनिया के चाल चलन के पीछे नहीं चलेंगे कि दुनिया के लोगों का मामला कैसा है ना, कि जो बहाव चल जाता है सब लोग बहते हैं। हमारे लिए पॉइंट यह है सच्चाई और ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस। दुनिया में जैसे आज लोग बोलने लगे हैं कि नहीं नहीं तिजारत में तो झूठ बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है मतलब, बोले आज के ज़माने में तो झूठ बोले बगैर काम ही नहीं हो सकता। ये क्या है? ये हकीकत में ईमान की कमज़ोरी। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने तो ये सिखाया कि सच्चाई से अल्लाह की मदद मिलती है, अल्लाह का साथ मिलता है, तिजारत में बरकत मिलती है। बरकत मिलने का तरीका क्या है? कि इंसान सच्चा रहे और खैर खा रहे। चीटिंग और फ्रॉड करने वाले लोगों को मुहिकत बरकत उबहिमा, तिजारत की बरकत चले जाती है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे में बरकत भी एक चीज़ होती है। मतलब मिसाल के तौर पर, बरकत जब पैसों में है तो वो कम पैसे भी ज़्यादा का काम कर जाएंगे, और अगर पैसे बरकत से खाली हो गए तो बहुत सारे हैं तो भी वो बरकत ना होने की वजह से उसका फ़ायदा हम नहीं उठा पाएंगे। जैसे मिसाल देता हूँ, एक गाड़ी रास्ते से उतर कर साइड पर उतर आई। अब 10 आदमी खींच रहे हैं, गाड़ी ट्रैक पर आ ही नहीं रही, रोड पर आ ही नहीं रही है। दो पहलवान आते हैं, गाड़ी को उठा करके रोड पे रख देते हैं। अब बताओ वो 10 बेटर है या 2 बेटर है? बोले 2 बेटर है, 10 बेटर है। वो 2 बेटर निकले 10 से। क्यों? क्योंकि वो 2 से काम हो गया। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बरकत की मिसाल ऐसी है ना, कम में भी ज्यादा का फायदा होता है। बरका लफ्ज बिरका से आता है। बिरका मतलब एक ऐसा पॉन्ड जिसमें बहुत पानी है, खत्म नहीं होता है, बरकत होती है, ज्यादा फायदा होता है। तो बरकत का यही रूल है कि तिजारत में बरकत कैसे मिलती है? सच बोलने से मिलती है। और अगर झूठ बोलें और चीटिंग का काम करें तो बरकत चले जाती है। जैसे हम पहले वालों के बारे में क्या सुनते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं ना, दादा परदादा से पूछिए आप कहानी, वो लोग बताएंगे कि देखो हम लोग तो वो ज़माने में इतना कमाते थे पूरा घर खाता था। ऐसी कहानियाँ आमतौर पर मिलती हैं। आज इतना कमाते हैं तो भी खर्चे पूरे नहीं होते हैं। तो ये क्या है? शायद इस वजह से कि उस ज़माने में चीटिंग और फ्रॉड वाले काम कम होते थे तो पैसों में बरकत भी ज़्यादा होती थी, और आज के ज़माने में आमतौर पर ये सब कुछ होने लगा है तो बरकत भी चले आती है।